Daily Gamer. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सनी और लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए गॉब्लिन मैप से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम लोग अटैक करने वाले हैं नो फ्लाइट जोन पे। तो इस पे मैंने अपने दूसरे अकाउंट से अटैक किया, उसमें मेरा हॉग 3 लेवल का था तो मैं फेल हो गया था, तो इसीलिए मैं अपने थोड़े से बड़े अकाउंट से अटैक कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग ये इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ नहीं करने वाले हैं, घबराना मत। अगर आपके पास नहीं है इलेक्ट्रो ड्रैगन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको चाहिए आर्चर्स, 10 विज़र्ड, हॉग 22 से 25 के बीच और लेवल 4 मिनिमम होने चाहिए। एक वल्करी, मेरे पास 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और गोलम लगेगा कम से कम 2 लेवल का, बाकी काम हो जाएगा। और किंग भी चाहिए, मेरे पास किंग थोड़ा ज़्यादा ही लेवल का, 5 लेवल का किंग से भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या करना, आर्चर से यहाँ पे जो बॉम्ब है उसे ट्रिगर करके ब्लास्ट कर देना, और फिर यहाँ पे भी स्केलेटन ट्रैप और बॉम्ब है तो इसे भी कर देना है एक्टिवेट। और यहाँ पे भी वैसा ही है तो यहाँ पे भी एक आर्चर छोड़ करके इसे भी कर दो एक्टिवेट। और इस कोने में है जायंट बॉम्ब और इस सीसी में भी निकलेगा कुछ ट्रूप, तो एक ड्रैगन निकलेगा और 3 बलून निकलेगा। तो ध्यान से देखना, देखो एक बार में 3 बलून नहीं निकल पाया तो एक और छोड़ करके आपको तीनों बलून निकालना ही है, नहीं तो फिर अटैक फेल हो जाएगा। तो अब इस कोने में बुलाना है सभी के सभी स्केलेटन ट्रैप्स और जितने भी निकले हैं सीसी से ट्रूप्स उन्हें, और फिर हम उन्हें मारेंगे पॉइजन से। एक पॉइजन भी लगेगा आपको और 3 हीलिंग लगेगा, बट मेरे पास 4 हीलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब छोड़ना है एक वल्केरी इन स्केलेटन्स को मारने के लिए और पॉइजन गिराना है तुरंत ड्रैगन के ऊपर इस तरह से, और आर्चर्स से भी अटैक कर देना है इस ड्रैगन के ऊपर और इसे कर लेना है टेक डाउन। तो विजर्ड्स भी मेरे थोड़े मैक्स हैं, बट 5 लेवल के विजर्ड से भी आपका काम हो जाएगा। तो देख लो इधर से काम हो गया। अब इस कोने में यहाँ पे जो लास्ट ईंट है यहाँ पे गोलम छोड़ना है ताकि वो टैंक कर सके इन सभी डिफेंसेस को। देख लो ये कैनन भी उसकी तरफ मुड़ गया है, और इधर छोड़ना है किंग और फटाफट से जितने भी हॉग आपके आर्मी कैंप में अटते हैं उन सारे को यहाँ पे, डबल जायंट बॉम्ब है तो यहाँ पे एक हीलिंग लगेगा वरना सारे के सारे हॉग्स मर जाएंगे। और किंग का एबिलिटी छोड़ देते हैं, नहीं तो किंग भी अभी हमारा डाउन ही हो जाता। और फिर जैसे जैसे हॉग आगे बढ़ता जाएगा आप लोग यहाँ पे यूज़ करते जाना हीलिंग स्पेल। तो लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे बॉम्ब टावर जो कि डिस्ट्रैक्ट करेगा, तब हम इधर छोड़ेंगे अपना विजर्ड्स। तो अगर आप विजर्ड नहीं भी छोड़ोगे तो भी ये 3 स्टार आसानी से हो जाएगा। देख लो हॉक्स मरने ही वाले हैं, इसलिए 4 हीलिंग स्पेल लाने के लिए आपको मैंने कहा था, तो अभी आप इसे यूज़ कर सकते थे। बट नहीं मरेंगे आपके हॉग अगर लेवल 4 से ऊपर के हैं तो, बाकी आप 3 स्टार बिल्कुल ही आसानी से कर दोगे इस बेस को, और आप भी ले लोगे लूट इस बेस में जितना मिलता है, लगभग 5 लाख के आसपास यहाँ पर मिलेगा, तो वो आपको आपके बेस अपग्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो 3 स्टार नो फ्लाइट जोन को। नो फ्लाइट जोन मतलब इसका नाम इसीलिए रखा गया ताकि यहाँ पे उड़ान नहीं भरना है भाई, ग्राउंड ही अटैक करना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू बीट नो फ्लाइट जोन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, गुड बाय।